हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आज़ाद जीके क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए। और मैं बता दूं कि ये साइंस टेस्ट सीरीज का चौथा पार्ट है। फ्रेंड्स, आप तीन पार्ट तक हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख लें, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे आने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित होता है, या इनमें से कोई नहीं? अब इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा घटता है, ठीक है, ए आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमो, विद्युत मोटर, जनरेटर या बैरोमीटर? इसका सही आंसर हो जाएगा डायनेमो, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक किस पर आधारित होता है? पास्कल के नियम पर, फैराडे के नियम पर, न्यूटन के नियम पर या मेंडल के नियम पर? इसका सही आंसर हो जाएगा पास्कल के नियम पर, ठीक है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? ए नीला, बी काला, सी लाल, डी पीला? इसका सही आंसर हो जाएगा काला। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर का कोड क्रोड बना होता है, ट्रांसफार्मर का क्रोड किससे बना होता है? एल्युमिनियम का, टंगस्टन का, तांबा के पतले तारों का या नरम लोहे का? इसका सही आंसर हो जाएगा नरम लोहे का। नेक्स्ट, अपेक्षित घनत्व किससे मापा जाता है? सेंटीमीटर से, बैरोमीटर से, लैक्टोमीटर से या हाइड्रोमीटर से? इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर से। नेक्स्ट, दो समानांतर दर्पण के पीछे रखे हुए वस्तुओं का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ए मुख्य बिंदु पर, बी अनंत पर, सी पीछे या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्य, इसका सही आंसर हो जाएगा अनंत पर, ठीक है। नेक्स्ट, जी का मान शून्य कहाँ होता है? जी का मान शून्य कहाँ होता है? पृथ्वी के केंद्र पर, भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर या चांद पर? इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर हो जाता है पृथ्वी के केंद्र पर। नेक्स्ट, किस रंग के प्रकाश का परिकर्णन सबसे कम होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा लाल रंग का, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट, बैरोमीटर का पाठ्यांक का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना क्या प्रदर्शित करता है? आंधी तूफान आने का, वर्षा होने का, दिन साफ रहने का या बादल के होने का? फ्रेंड्स, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर उठेगा तो दिन साफ रहने का वो प्रदर्शित करता है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरना क्या प्रदर्शित करता है? फ्रेंड्स, अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरेगा तो वो वर्षा होने का संकेत करता है, प्रदर्शित करता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिर गया तो वो क्या प्रदर्शित करेगा? तो वो याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये तीनों बताएं सो, अगर एकाएक नीचे गिरता है तो वो आंधी तूफान आने का प्रदर्शित करता है, ठीक है। नेक्स्ट, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप पर क्या असर होगा? क्या होगा, बढ़ जाएगा कमरे का ताप या घट जाएगा, या बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है, या इनमें से कोई नहीं? फ्रेंड्स, जब हम लोग रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलते हैं तो हम लोग का फीलिंग तो ठंडा होता है, लेकिन टेम्परेचर जो कमरे का तापमान है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन या आर्गन? इसका सही आंसर हो जाएगा आर्गन। नेक्स्ट, जल का शुद्ध रूप क्या है? पीने का जल, वर्षा का जल या समुद्र का जल या तालाब का जल? फ्रेंड्स, जल का शुद्ध रूप होता है वर्षा का जल, ठीक है। नेक्स्ट, सिगरेट के लाइटर से कौन सी गैस निकलती है?
कार्बन डाइऑक्साइड, एथेन, ब्यूटेन गैस या मीथेन गैस। फ्रेंड्स लाइटर से जो गैस निकलती है वो ब्यूटेन गैस निकलती है, आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? फॉर्मिक अम्ल होगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स यही है टॉप 20 क्वेश्चन थे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है।